नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका यूवाइन स्टडी पॉइंट में। और आज हमारा हिंदी व्याकरण का पर्यायवाची का दूसरा टेस्ट है, जो कि होने वाला है यूपी आरओ एग्जाम के लिए। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप हमारे कोई भी क्विज ना छोड़ें, क्योंकि एग्जाम आने के बाद हो सकता है कि आपको ये लगे कि काश ये क्विज अटेम्प्ट किया होता तो ज़्यादा बेटर रहता। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जो प्रीवियस जो पेपर हैं उन सब का हमने जो रिकॉर्ड निकाल करके देखा है, तो जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर से आते हैं। क्योंकि वीडियो सीरीज़ हमने अब शुरू की है, लेकिन पिछले सालों से हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो होती हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो। तो इसलिए आप जो क्विज़ है उसे सीरियसली लेकर के चलिए और चेक करते हुए चलिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने कितना सीखा है उसको जांचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है ध्रुव किस शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है आंख, बी है पत्ता, सी है पेड़ और डी है आकाश। इसका सही उत्तर आपने नोट कर लीजिए अपना, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है आंख। देखिए अन्य पर्यायवाची जो है वो है नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अक्षी, अम्बक, दृष्टि और विलोचन। एक बार फिर से देख लेते हैं, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अक्षी, अम्बक, दृष्टि और विलोचन। तो ये क्या है कि आप जो पर्यायवाची शब्द हैं वो याद करते हुए चलिए, क्योंकि 10 नंबर के पर्यायवाची आने वाले हैं यूपी आरओ के एग्जाम में, और वो आप बड़े आराम से तैयार कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से अमृत, अमृत शब्द का आपको बताना है कि पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है पीयूष, बी है सुधा, सी है अमिय और डी है उपरोक्त सभी। जल्दी से नोट कर लीजिए अपना ऑप्शन, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उपरोक्त सभी, मतलब पीयूष, सुधा और अमिय। इसके जो अन्य पर्यायवाची हैं वो हैं पीयूष, सुधा, अमिय और जीवनोदक। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से घर या गृह शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है निलय, बी है धाम, सी है सुदादर और डी है ए और बी दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ए और बी दोनों, मतलब निलय और धाम दोनों। देखिए जो घर है उसके और पर्यायवाची होते हैं, वो है निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय और धाम। एक बार फिर देख लेते हैं, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय और धाम। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है रजनीपति किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है रात, बी है चंद्रमा, सी है सूर्य और डी है तारा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है चंद्रमा। देखिए इसके जो अन्य पर्यायवाची हैं वो हैं चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर और निशापति, रजनीपति, मृगांक और कला निधि। देखिए जो चंद्रमा है, चंद्रमा का तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, हर तरह के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि चंद्रमा के पर्यायवाची क्या है या फिर ये किसका पर्यायवाची है, इस तरह से करके। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से याद करते हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है चोर, चोर शब्द का बताना है कि आपको पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए है मूषक, बी है कुंभिल, सी है खनक और डी है उपरोक्त सभी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन, लिख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, और इसका उत्तर है डी, मतलब उपरोक्त सभी। मूषक भी होता है, कुंभिल भी होता है, खनक भी होता है। देखिए इसके अलावा और भी जो है वो है तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मूषक आ गया, कुंभिल भी आ गया, खनक भी हो चुका है और साहसिक। तो ये चोर के पर्यायवाची हैं ये सारे। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है स्पृहा और ईहा किसके पर्यायवाची हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है आश्रम, बी है इच्छा, सी है किरण और डी है जल। जल्दी से नोट कीजिए अपना आंसर, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है इच्छा। देखिए और पर्यायवाची जो होते हैं वो होते हैं आकांक्षा, ईप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, और जो स्पृहा और ईहा तो आ ही चुका है, और एक होता है वांछा। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है अनुपम शब्द का पर्यायवाची कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए है अद्वितीय, बी है शतदल, सी है हे और डी है उपरोक्त सभी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है अद्वितीय। देखिए अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय और अतुल, ये क्या है पर्यायवाची शब्द है। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, जो है अर्गजा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है सिंधु, बी है यमुना, सी है गंगा और डी है नर्मदा। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है यमुना। देखिए
यमुना के जो और पर्यायवाची हैं वो हैं सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी, अर्गजा और कृष्णा। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर, जो है तड़ाग किस शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है तालाब, बी है दास, सी है नदी और डी है पक्षी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है तालाब। देखिए तालाब के जो और पर्यायवाची हैं वो है सरोवर, तड़ाग, दृह, पुष्कर और जलाशय और पद्माकर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है किंकर किस शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है दास, बी है देवता, सी है नौका और डी है पर्वत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है दास। देखिए और जो पर्यायवाची हैं वो है अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर और परिचारक। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में क्या है कि आप अपना जो स्कोर है वो बताइए हमें, और साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।